गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो होने वाला है बैनिक ड्रेसेस का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक ड्रेसेस लेकर आई हूँ मैं बैनिक से। द बर्ड्स आर चर्पिंग, आई होप आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रही होगी। तो ड्रेसेस बहुत ही प्यारे हैं, पार्टी वेयर काइंड ऑफ ड्रेसेस मैं लेकर आई हूँ। तो आई रियली होप कि आपको ये कलेक्शन भी मेरा पसंद आएगा। सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली गेट इन द वीडियो। गाइस, आवर फर्स्ट ड्रेस ऑफ दिस हॉल इज दिस, एंड ये मुझे सबसे ज्यादा क्यूट एंड प्रिटी लगा है। ड्रेस है, मतलब ए लाइन ड्रेस बोल सकते हो, और काफी शॉर्ट है, लेकिन इसकी जो बनावट है ना, मुझे इतनी क्यूट एंड इतनी कूल लगी ना, मतलब बहुत ही प्यारा था ये ड्रेस है। मतलब ये ड्रेस यहाँ देख सकते हो, कुछ इस तरह का एक्स्ट्रा आपको नेट फैब्रिक मिल जाता है, जिसे आप अपने शोल्डर पे टाई कर सकते हो एंड एक बो और फ्लावर क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे इस तरह का इतना सारा नेट मटेरियल मिल जाता है, काफ़ी सारे लेयर्स मिल जाते हैं, जिसके वजह से ये जो ड्रेस है बहुत क्यूट लगता है। एंड इसका जो अप पार्ट है वो कुछ आपको इस तरह का पॉलिएस्टर मटेरियल के साथ मिलने वाला है, बिल्कुल प्लेन सा। इसके ऊपर से आपका ये शोल्डर स्ट्रैप जाएगा, जिसे आप टाई कर सकते हो। एंड इसे क्लोजर के लिए इसमें आपको साइड में जिप मिल रही है गाइस, एज यू कैन सी। ओके, तो इसमें अगर मैं आपको अपना साइज बताऊं, तो मेरा साइज इसमें एस है, और मुझे ये बिल्कुल फिट हुआ है। अगर आपको ये ड्रेस परचेज करना है तो आप अपने साइज में जाना, एंड या इसमें आपको और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, विच इज रियली कूल अबाउट दिस ड्रेस। तो आप परचेज कर सकते हो। एंड इसके साथ आपको एक बेल्ट मिल जाता है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह का बेल्ट है ये, आप अपने वेस्ट लाइन पे टाई कर सकते हो अगर आपको करना है तो, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हो। बट देख सकते हो मैंने टाई किया है, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। बाय द वे, इट्स सो हॉट गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है आजकल। तो हमारा नेक्स्ट ड्रेस ये है, एंड ये भी पार्टी वेयर ड्रेस है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके बॉटम पार्ट पे, इसके मतलब इसके एंड पार्ट पे कुछ इस तरीके का सीक्विन वर्क मिल जाता है, एंड काफ़ी प्यारा सा फ्लोरल पैटर्न मिल जाता है। इसका जो स्लीव है ना, वो कुछ इस तरीके से स्ट्रैप्स में आने वाले हैं, एंड विच आर एडजस्टेबल, बहुत अच्छी बात है ये। इसका मटेरियल पॉलिएस्टर मिलने वाला है आपको, एंड मटेरियल इज क्वाइट सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल सा मटेरियल है। लेकिन अगर बात कर लेना इसकी फिटिंग की, तो बहुत ही घटिया इसकी फिटिंग है। इसमें मेरा साइज एस है, एंड मैंने वेयर किया है तो फिटिंग ऐसी है कि लग रही है मैंने एम साइज वेयर किया है, विच इज़ रियली बैड। एंड अगर आप इसे परचेस करते हो ना, तो प्लीज़ एक या दो साइज नीचे जरूर जाना, दो नहीं तो कम से कम एक साइज। अगर आप एम पहनते हो तो आप एस मंगवाना, तो आई थिंक आपको फिट हो जाएगा। सो गाइज, आवर नेक्स्ट ड्रेस इज़ अ ब्यूटीफुल पार्टी वेयर ड्रेस, एंड ये ड्रेस जो है ना, ब्यूटीफुल तो है, एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी एंड बहुत ज़्यादा यू नो अट्रैक्टिव सा ड्रेस है। मतलब जब इसे पहनोगे ना, तो बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हो। तो कुछ इस तरह का ये ड्रेस है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आपको इस तरह का पेपलम मिल जाता है फ्रंट पार्ट पे, एंड काफ़ी प्यारा है। मतलब सिंपल सा ड्रेस है, इसमें कोई डिज़ाइन एंड कोई पैटर्न एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं आपको, पूरा प्लेन सा है, लेकिन फिर भी ये ड्रेस अपने आप में ही बहुत ब्यूटीफुल है। आपको साइड स्लिट मिल जाता है कुछ इस तरीके से, जिसमें आपके थाइस जो है वो विजिबल रहेंगे जब आप इसे वेयर करने वाले हो। बैक साइड से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जिप मिल जाता है, एंड काफ़ी प्यारा लगता है पहनने के बाद, जैसे कि मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ। लेकिन एक इस ड्रेस में कमी ये है कि इसका जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा थिक है, मतलब गर्मी में पहनने के लिए आपको लिटरली सोचना पड़ेगा। मुझे मंगाने से पहले नहीं पता था कि इसका मटेरियल इतना थिक आने वाला है, लेकिन यहाँ पे बहुत थिक मटेरियल मिला है। आप रात में पहनोगे, और वहाँ पर अगर एसी वगैरह है पार्टी में आप जा रहे हो तो ठीक है, वरना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, मतलब बहुत गर्मी लगने वाली है। बाय द वे, ये ड्रेस प्राइस जो है वो आप स्क्रीन पर देख लेना, एंड इसमें जो मेरा साइज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो माय साइज इन दिस ड्रेस इज XS, एंड मुझे इतना अच्छे तरीके से फिट हुआ है ना, जैसा इस ड्रेस का लुक आना चाहिए था पहनने के बाद, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो, अपने साइज में जाना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसकी फिटिंग थोड़ी सी वियर्ड लगी है मुझे, लेकिन ये ड्रेस ओवरऑल अच्छा है, एंड बहुत सिंपल सा ड्रेस है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो स्लीव मिलने वाला है वो आपको इस तरीके से स्ट्रैप्स मिलने वाले हैं, जिसे आप टाई कर सकते हो। एंड ये ड्रेस पूरा का पूरा प्लेन है, नीचे में इस तरीके से आपको फ्लेयर्ड लेग्स मिल जाते हैं दोनों ही साइड पे। बाकी ये बॉडी फिटेड काइंड ऑफ लुक प्रोवाइड करता है ऊपर से लेके थाइस तक। वैसे इसकी जो फिटिंग है ना, मतलब थोड़ी सी वियर्ड लगी मुझे अराउंड माई थाइस। इसमें जो मैंने साइज ऑर्डर किया था वो एस था, एंड एस मुझे मिला है, लेकिन इसकी फिटिंग, मतलब ऐसे मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर से मुझे बहुत खींच के यहाँ पे टाई करना पड़ा है, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगी। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो आप अपने साइज से एक साइज ऊपर ही चले जाना, आई थिंक तभी आपको सही से फिट होगा। अदरवाइज आप मुझे ये ड्रेस पहना हुआ देख सकते हो, अगर आपको फिटिंग अच्छी लग रही है कि हाँ आप कंफर्टेबल हो, देन यू कैन बाय दिस ड्रेस
इन योर साइज एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज हॉल. ये मेरा ब्लैक ड्रेसेस का कलेक्शन था. आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा. ये सारे ड्रेसेस मैं बहुत चुन चुन कर लेकर आई हूँ एंड बहुत हटके हैं ये सारे ड्रेसेस. आप पहनोगे पार्टीज में आपको बहुत अच्छा लगेगा. एंड इन सारे ड्रेसेस के साथ जो मैंने बैग लिया हुआ है दैट इज फ्रॉम आजियो. अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. एंड द बैग इज वेरी अफोर्डेबल, लाइक मैंने 1000 के अंदर में ही लिया है और देख सकते हो कितना क्लासी लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. वैसे ये बैग यहीं पे है, मैं आपको दिखा देती हूँ. तो कुछ इस तरह का इसका टैग भी अभी तक मैंने नहीं निकाला है क्योंकि नया ही है, मैंने अभी तक एक बार भी इसे यूज़ नहीं किया है, मतलब बाहर नहीं गई हूँ. कुछ इस तरह का यहाँ पे चेन पैटर्न मिल जाता है. सो आई रियली होप कि आपके लिए आज का मेरा ये हॉल यूजफुल हुआ होगा. अगर थोड़ा सा भी हुआ है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट. और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो प्लीज़ क्विकली गो एंड डू सब्सक्राइब टू मेरे चैनल. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.